स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। हम आपको अगले आधे घंटे में दिखाएंगे जुर्म की सबसे बड़ी खबरें, उन खबरों की करेंगे तफ्तीश, अपराध की वजहों की करेंगे पड़ताल, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन अपराधों का समाज पर कितना असर पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं तफ्तीश की आज की कड़ी। तफ्तीश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी बहराइच में पशुओं के साथ क्रूरता का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बहराइच में पूर्व सीएमओ डॉक्टर जे एन मिश्रा के फार्म हाउस पर छापेमारी की गई तो यहां से 45 गाय बरामद की गई। इतना नहीं, फार्म हाउस से 60 गायों की कब्र भी मिली है। मामला फरकपुर इलाके के बुबकापुर गांव का है, जहां डीएम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की और इस मामले को लेकर अब प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यूपी के बहराइच जिले के बबकापुर गांव में पूर्व सीएमओ डॉक्टर जे एन मिश्रा के फार्म हाउस में बड़े पैमाने पर कब्र में दबी गायों और जिंदा गायों के खेप की बरामदगी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इंडिया 24/7 पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शासन ने इस मामले में डीएम बहराइच से रिपोर्ट तलब की है। बहराइच जिले में पूर्व सीएमओ डॉक्टर जे एन मिश्रा के फार्म हाउस पर एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 50 से 60 गायों की लाशें कब्र में दबी हुई बरामद हुई है। जानकारी मिली है कि इन गायों का इस्तेमाल शायद दवाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस बात की जानकारी जब बहराइच की जिलाधिकारी को हुई है तो जिलाधिकारी अजय सिंह ने मौके पर छापेमारी करवाई, जहां पर भारी मात्रा में 40 से 45 गायों का जखीरा बरामद हुआ है और इसके साथ साथ वहां पर 50 से 60 गाय कब्र में दबी हुई बरामद हुई है। अब देखना है कि इसके अंदर जो आरोपी सीएमओ है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। जिलाधिकारी को मिली गोपनीय जानकारी पर यह छापेमारी हुई और इस दौरान पूर्व सीएमओ के फार्म हाउस पर न सिर्फ बड़े पैमाने पर गायों की लाश बरामद हुई बल्कि तमाम तरह की दवाओं और बिस्कुट और आयुर्वेदिक पाउडर की खेप भी बरामद की गई। आशंका जताई जा रही है कि यहां गाय के अंगों से दवा का निर्माण किया जा रहा था। तो श्री गया डीएम साहब का करीब 5 बजे फोन आया कि वहां पे जो है 50-60 गायें कोई फार्म है मरौचा से बाएं हाथ 2 किलोमीटर पे बुबकापुर गांव में फार्म हाउस है। तो वहां हम लोग पहुंचे तो देखा कि 45 गायें जो हैं देसी टाइप की बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी होती और 50-60 गाय जो है दफनाई गई। पूरे फार्म को पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है और तमाम जो है अवैध दवाइयां भी प्राप्त हुई हैं और कुछ बिस्किट्स कैप्सूल साथ प्राप्त किए गए। छापे के दौरान फार्म हाउस के अंदर से करीब 45 गाय बरामद हुई हैं और करीब 50 से 60 गायों की कब्र मिली है। पुलिस ने फार्म हाउस को सील कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सब कब्रों में जो है गायें दफनाई गई। तो कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि ये गायें क्यों दफनाई गई, इतनी गाय वहाँ कैसे? वहाँ पे ये बताया गया कि ये जो है 200-300 रुपए में लोग ला करके यहाँ गायें छोड़ देते थे और रखी जाती थी, उनका जो है जो भी उपयोग करते हैं वो कल ही पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलता है। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर सकता है, ऐसा भी संभावना? जिस हिसाब से दवाएं कैप्सूल्स बिस्किट्स भारी मात्रा में दवाएं पाउडर बरामद हुआ, इसका मतलब कि कुछ न कुछ दवाएं बनाई जा रही। वहीं इस मामले में यूपी सरकार की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी जी से इस विषय में पूरी बात की और उन्होंने वहाँ 5 लोगों की टीम भी भेजी है जिसमें 2 एसडीएम है, पशु चिकित्सा अधिकारी है, इस तरीके से उन्होंने भेजा है। और अभी कुछ देर पहले तक पता चल चुका था कि 7 गायों का पोस्टमार्टम हो चुका है, तो संख्या बहुत ज्यादा है, आने दीजिए। कुछ वहाँ से दवाओं के पैकेट भी मिले हैं, जैसा कि जिलाधिकारी जी ने मुझे बताया है, सबकी जाँच होगी। क्या गिरफ्तारी होगी डॉक्टर की और नर्सिंग होम से जो 300 बीघे जमीन उसने अभी खरीदी? देखिए पहले सारी जांच हो जाने दीजिए, बिना जांच के हम कुछ भी नहीं कह सकते। जांच आने, जब दोषी होंगे तो निश्चित रूप से योगी सरकार में कोई बक्सा नहीं। फार्म हाउस में गायों के कब्रगाह मिलने के बाद से ही पिछली अखिलेश सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इसे गंभीर मामला मानते हुए इसके निष्पक्ष जांच कराने के साथ ही कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पहले तो अखिलेश यादव जी के रिजीम में वो जितना भी नकार लें, मगर कानून व्यवस्था का उल्लंघन और अवैध चीजों का बढ़ावा होता ही रहा जी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय के रूप में देख लीजिए, उसके अंदर भी देखिए डिप्टी सीएमओ जो अभी पकड़े गए हैं और उनके घर में जिस प्रकार के हड्डियां पाई जा रही हैं, साफ दिखाता है कि वो आयुर्वेदिक दवाइयां बना रहे थे, उनको जो काम करना है वो नहीं करना, अवैध तरीके से चीज चल रही थी। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर वो एक जो काल था वो खत्म हुआ है, एक सुनहरा जो विकास का दौर है वो शुरू हो चुका है, कानून की इज्जत होगी और मैं इतना ही कह सकता हूँ जो पकड़े गए हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इसका मैं आश्वासन देता हूँ और उन पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इसकी मुझे जानकारी है। डॉक्टर जी एन मिश्रा बहराइच में सीएमओ रह चुके हैं और इनके इस फार्म हाउस में कब से गायों को मारकर दवाएं बनाने का ये अवैध धंधा चल रहा था, पुलिस इसकी जांच में लगी है। मामले में सरकार भी हरकत में आई है, ऐसे में देखना होगा कि फार्म हाउस में गायों की कब्र का और क्या काला सच निकल कर सामने आता है। बहराइच जिले का ये बोकापुर इलाके में पूर्व सीएमओ डॉक्टर जयंत मिश्रा का यहाँ पर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। जानकारी मिली है कि ये काफी अरसे से यहाँ पर जानवरों को लाकर के यहाँ पर बांधा जाता था, उनको दाना पानी तक मुहैया नहीं होती थी और ये जानवर जब मर जाते थे तो इनको यहीं पर इसके फार्म हाउस में दफना दिया जाता था। अब देखना है कि जो फार्म हाउस में कई तरीके की प्रतिबंधित दवाएं, बिस्किट, पाउडर और भी कई तरीके शक्तिवर्धक दवाओं का जखीरा बरामद हुआ है, जिसकी जांच के लिए डॉक्टर और बकायदा मजिस्ट्रेट की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखना है कि इस मामले में क्या राज निकल के आता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल ने भी मामले की रिपोर्ट के लिए जिलाधिकारी से मामले को की रिपोर्ट तलब की है। अब आने वाले समय में यह पूरी जानकारी रिपोर्ट के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या निकल के आती है, यह अभी जांच का विषय है। राजीव शर्मा, इंडिया 24/7, बहराइच। आपने कई तरह की ठगी की शिकायतें देखी और सुनी होंगी, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें छात्र ठग नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों को सचिवालय के अंदर तक ले गया और फर्जी इंटरव्यू भी करा दिया। उसके बाद सचिवालय में नौकरी का झांसा देकर उससे 5 लाख रुपए ठग लिए। एक रिपोर्ट। पुलिस के सामने ठगी का दर्द बयां कर रहा ये है विकास नगर का बेरोजगार युवक अरविंद। अरविंद को नौकरी की तलाश थी। एक दिन अरविंद की मुलाकात एक समारोह में विनय नाम के शख्स से हुई। विनय ने उसे सचिवालय में पक्की नौकरी दिलाने का झांसा दिया और 5 लाख रुपए अलग अलग किश्तों में उससे ठग लिए। इस बीच पीड़ित को बकायदा सचिवालय ले जाया गया, वहां एक कमरे के बाहर उसे बैठाया गया और जरूरी सवाल करने के बाद उसे कार्मिक विभाग का पत्र नियुक्ति के लिए थमा दिया गया। लेकिन बाद में अरविंद को पता चला कि वो पत्र फर्जी था और वो ठगी का शिकार हो चुका था। इसके बाद अरविंद ने तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी। दिसंबर के टाइम की बात थी तो हमसे ये खुलासा किया गया कि आपको इस चीज के आपकी यहाँ पर पक्की लग सकती है और आपको इसके लिए 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बोला कि ये आपको इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, तो इंस्टॉलमेंट में देने के लिए उन्होंने ये शर्त रखी कि 2.5 लाख आपको पहले देना पड़ेगा और 2.5 लाख आपको ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद होगा। तो हमने कुछ दिसंबर में दिए और कुछ जनवरी में दिए उनको। मामला सचिवालय से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस ने भी गंभीरता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हुई पूछताछ में खुलासा हुआ कि विनय इससे पहले भी कई लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। अभी प्राथमिक जानकारी के अनुसार ऐसे काफी सारे पीड़ित हैं जिनके सूचनाएं थाने पर प्राप्त हो रही हैं और मुझे लगता है कि बड़े रैकेट के रूप में काम कर रहा था। जिस तरह सचिवालय में ले जाकर बेरोजगार युवकों को गुमराह करके उनसे पैसे हड़पना है, ये चीज जांच में पूरी तरह प्रमाणित हो चुकी है, लेकिन इसमें अन्य कोई और शामिल है कि नहीं है इस संबंध में विस्तृत विवेचना के आदेश दे दिए गए। अब सवाल सचिवालय की सुरक्षा पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि सचिवालय में प्रवेश के लिए पास की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इसके बावजूद सचिवालय में इस तरह का मामला सामने आना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। देहरादून से इंडिया 24/7 के लिए खुर्रम शमसी की रिपोर्ट।
यूपी के बस्ती में सहायक समीक्षा अधिकारी बनकर नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पकड़ा गया छात्र ठग पीयूष फैजाबाद के रायगंज का रहने वाला है। एमबीए की डिग्री होने के बावजूद की नौकरी करने के बजाय लोगों को नौकरी दिलाने एडमिशन कराने के नाम पर ठगी करता था। इसने छावनी थाना क्षेत्र में नौकरी के नाम पर एक युवक से 3.5 लाख की ठगी की, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने जांच की और पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया और ये भी बताया कि अब तक वो कई लोगों के साथ नौकरी और स्कूल में एडमिशन के नाम पर ठगी कर चुका है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग में कई और लोग भी शामिल हैं, जिनमें से अभी तक 4 लोगों के नाम सामने आए हैं और आगे की जांच जारी है। माने के नाम पे लोगों से पैसा लेते थे? नहीं सर, दूसरे ने कहा था, उस वजह से उठा। अभी तक कितने लोगों से पैसा ले चुके हो? हमने सर को बताया 2-3 लोगों का था, जिनका देखे खत्म कर दिया गया। कितना पैसा कमाया अभी तक? ज़्यादा नहीं सर, 2-3 लोगों का था जिसका देखे खत्म कर दिया गया। एक ये नवीन जी हैं जिनका देखे। तो कितने दिनों से काम कर रहे हो? सर कंसल्टेंसी का काम तो 5 साल से कर रहे हो। कितने कितने लोगों के साथ? प्राइवेट एडमिशन कर रहे हो। ऑफिस कहाँ कहाँ बनाया हो? ऑफिस नहीं है सर। क्या केवल प्राइवेट नौकरी लगवाते हो कि सरकारी भी? प्राइवेट नौकरी की नहीं, प्राइवेट एडमिशन के लिए। नौकरी के लिए ये दो था, दोनों बच गए, फंस गया था, एक का पैसा वापस हो गया था, एक का नहीं। छावनी थाना क्षेत्र के एक कंप्लेनेंट से इसने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे ठगी की थी, पैसे लिए थे उससे, और जब इसकी गिरफ्तारी हुई है वो जो इसके पास दस्तावेज मिले हैं उससे इस बात का खुलासा हुआ है कि ऐसी ठगी इसने कई लोगों के साथ की है। इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो इसके द्वारा बताया गया है, एमबीए है। इसने अपने आप को समीक्षा अधिकारी भी बताकर कई लोगों के साथ ठगी की है, फर्जी आई कार्ड भी बनाया है, कई सारे इसके पास से सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन्स, दूसरे लोगों के डॉक्यूमेंट्स, जिसके बारे में बताया कि स्कूल्स में एडमिशन के नाम पर, सरकारी नौकरी में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर इसने कई लोगों को इस तरह से ठगा है। आगे की छानबीन चल रही है और भी सार्थक तथ्य जल्दी प्रकाश में आएंगे, जिसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के सिरसा में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने मिलकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों पर आरोप था कि ये लोग बेटे होने की दवाई देने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे और इन दोनों का ये गोरखधंधा लंबे वक्त से चल रहा था। कैसे चल रहा था यह धंधा, देखिए इस रिपोर्ट। हरियाणा के सिरसा में स्वास्थ्य विभाग ने कुसर गांव में छापेमारी कर 2 ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया है, जिन पर आरोप है कि ये लोग शर्तिया बेटा होने की दवाई देते हैं। दोनों आरोपी बाप बेटे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने मिलकर छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पिता का नाम सुभाष और बेटे का नाम सुरेंद्र बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से इनके पास एक शख्स को ग्राहक बनाकर दवाई लेने के लिए भेजा और जिसके बाद इन दोनों को रंगे हाथों अरेस्ट किया गया। ऐसे हमारे पास एक गुप्त सूचना थी कि बाप बेटा हैं, वो डॉक्टरी का काम करते हैं और लड़के होने की शर्तिया दवाई देते हैं। तो हमने टीम बनाई और कुसर गांव से दोनों बाप बेटा को दवाई देते हुए और 1500 रुपये जो हमारे ग्राहक का हमने बेचा था उससे लेते हुए लिए हुए बरामद किए गए हैं। गांव कुसर के अंदर सुभाष चंद्र सनोबर दयाल सिंह जाति अरोड़ा आरो कुसर व उनके पुत्र राय साहब उर्फ सुरेंद्र सनोप सुभाष चंद्र अरोड़ा आरो कुसर, जिनको राउंड अप किया है, जो लड़का होने की शर्तिया दवाई देते थे। छापेमारी टीम ने मौके से वो दवाइयां भी बरामद की जिनके लेने से बेटे होने का दावा किया जाता है। साथ ही दोनों आरोपियों पर PNDT एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। उसमें FIR लॉज करवा दी है और PNDT एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। PNDT एक्ट 1994 420 IPC जिसकी सेक्शन है 6C और 3A के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जो जांच अपने तफ्तीश जारी। स्वास्थ्य विभाग को कई दिनों से इन दोनों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते इस विभाग ने लगातार दोनों आरोपियों पर नजर रखी और उसके बाद दोनों को दबोच लिया गया। ये खबर आपको भी ऐसे शातिर ठगों से सावधान करती है। विजय कुमार, इंडिया 24/7, सिरसा।
झारखंड के धनबाद में हुए नीरज हत्याकांड के 11 दिन बाद भी पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ना ही हत्याकांड के शूटर गिरफ्तार हुए और ना ही साजिशकर्ता। हालांकि पुलिस ने 6 गिरफ्तारियां दिखाई हैं, लेकिन गिरफ्तारी की कड़ी हत्याकांड से अभी तक नहीं जुड़ी है। इस बीच पीड़ित परिवार का भरोसा SIT की जांच से उठता दिख रहा है। झारखंड के धनबाद में हुए हाई प्रोफाइल नीरज सिंह हत्याकांड की गुत्थी 11 दिन बाद भी नहीं सुलझ पाई है। पुलिस अब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उधर नीरज के चाचा और पूर्व मंत्री बच्चा सिंह ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर CBI जांच की मांग की है। बच्चा सिंह ने कहा है कि शहर में बेरहमी से 4-4 हत्याएं एक साथ हो गई, लेकिन 11 दिन बाद भी खाकी के हाथ खाली है, लिहाजा उन्हें अब SIT की जांच पर भरोसा नहीं। इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, एरू गरू आदमी पकड़ करके बंद किया जा रहा है, इसे CBI से जांच होनी चाहिए, इसे दूध का दूध और पानी का पानी। 8वें दिन 6 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तारी के अगले दिन बर्बरता की खबर। आरोपी प्रशांत सिंह रांची रेफर, आरोपी पिंटू सिंह संजय सिंह से बेरहमी, शरीर पर मिले चोट के निशान। अब आपको बताते हैं नीरज हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ है। हत्याकांड के 8वें दिन यानी बुधवार को SIT ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरफ्तारी के अगले ही दिन यानी गुरुवार को खबर आई कि गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने बर्बरता की है। नीरज सिंह हत्याकांड मामले में आरोपी प्रशांत सिंह उर्फ मामा को जालान अस्पताल से रांची रेफर कर दिया गया, तो वहीं आरोपी पिंटू सिंह और संजय सिंह से पुलिस की पिटाई का मामला सामने आया। PMCH में मेडिकल के दौरान उनके जिस्म पर चोटों के निशान मिले। अभी क्या आपके साथ पूछताछ के दौरान पुलिस मारपीट भी थी? हाँ, मारपीट की, मेडिकल हुआ है। फिलहाल 2-4-5 महीने से मेरा आना जाना उनके यहाँ ऐसे भी नहीं है। हम खुद आए, लोकेशन और कॉल डिटेल भी सार्वजनिक किया जाए, अगर हम लोग दोषी हैं तो पूछताछ के लिए लाया गया है। नीरज हत्याकांड पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस मामले की जांच में आधा दर्जन के करीब IPS अधिकारी लगे हुए हैं, बावजूद इसके हत्यारों का कुछ पता नहीं चला है। अब आपको बताते हैं कि जांच में कौन कौन से IPS अधिकारी लगे हुए हैं। इसमें CID ATG अजय कुमार सिंह, DIG साकेत सिंह, SSP मनोज रतन चौबे, CTSP अंशुमान कुमार, ग्रामीण SP HP जनार्दन, CID SP नागेंद्र सिंह, ATS SP SDPO प्रभात कुमार शामिल हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 6 गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी के बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है? आखिर कब जवाब देगी धनबाद पुलिस कि नीरज सिंह का हत्यारा कौन है? नीतीश मिश्रा, India 24/7, धनबाद। कच्ची उम्र में कदम अक्सर बहक जाते हैं, लेकिन कभी कभी इन बहके हुए कदमों का बेहद खौफनाक अंजाम सामने आता है। खबर बिहार के सारण से सामने आई है, जहां पर नाबालिग से कुछ ऐसा ही हुआ। अब ये नाबालिग इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। सारण में लव सेक्स और धोखा, नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया, दहेज की आड़ में हुआ शोषण, फिर जिंदा जलाने की हुई कोशिश, जमानत पर छूटे पति ने कर ली दूसरी शादी। बिहार के सारण में ये युवती SP के ऑफिस में इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची है। इसने अपने सहेली के चाचा शैलेंद्र सिंह से नजर लड़ाई और फिर दोनों में प्यार हुआ। दोनों ने गोपालगंज के थावे मंदिर में 15 जून 2014 को शादी कर ली। राखी ने अपने पति से घर ले जाने को कहा तो वो टालता रहा। जब राखी ने इस मामले की शिकायत पानापुर थाने में की तो पुलिस की मौजूदगी में लड़के के पिता ने राखी को अपनी बहू कबूल कर लिया और जल्द ही विदाई कराने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में दहेज के नाम पर 4 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग रखती। राखी जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे जलाकर मारने की कोशिश हुई। राखी की शिकायत पर पानापुर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ। जब आरोपी ने राखी को पत्नी के रूप में कबूल किया तो आरोपी की जमानत हो गई,
लेकिन जमानत पर छूटते ही लड़के ने चोरी छुपे दूसरी शादी कर ली। अब राखी न्यायालय और पुलिस पदाधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। शादी करके भावे मंदिर में शादी की है, उसके बाद में हमको मतलब वहाँ से ले गए अपने घर को, घर से ले जाके रखे, दो तीन दिन रखे, उसके बाद में वो अपने हमारे घर पर पहुँचा दिए। फिर वहाँ से बोले कि हम ले जाएंगे सब कुछ, वहाँ से ठीक हो जाएगा, उसके बाद में तुमको घर, उसके बाद में हमको नहीं ले जा रहे थे। हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन सवाल ये कि राखी से जिसने नाइंसाफी की वो कानून के हाथ से कैसे बच गया। राकेश कुमार सिंह, इंडिया 24/7, छपरा। बिहार में शराबबंदी का एक साल हो गया, लेकिन बेवड़ों और शराब तस्करों पर इस कानून का कोई खास असर नहीं दिख रहा। कॉलेज के हॉस्टल से लेकर रेलवे स्टेशन तक शराब पकड़ी जा रही है। इतना ही नहीं, अवैध शराब से युवाओं की अब यहां पर जान भी जा रही है। पटना में नशे में धुत 8 युवक गिरफ्तार। शराबबंदी में कहां से आ रही है शराब? पटना के बीए कॉलेज के हॉस्टल में छापा मारकर पीर बहोर पुलिस ने 8 युवकों को गिरफ्तार किया। ये सभी युवक नशे में धुत थे। सवाल ये कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो कॉलेज के हॉस्टल तक शराब कैसे पहुंच रही है? बाढ़ में शराब ने ली युवक की जान। नहीं थम रहा अवैध शराब का कारोबार। पटना जिले के बाढ़ इलाके में अवैध शराब युवाओं की जान ले रहा है। धनबा गांव में दो महादलित युवाओं की शराब पीने के बाद तबियत बिगड़ गई। इनमें से एक की मौत हो गई और दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जयनगर में 18 बोतल नेपाली शराब जब्त। रेल पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। शराबबंदी कानून की तो जैसे बिहार में किसी को परवाह ही नहीं। बिहार में शराब नहीं मिलती तो नेपाल से लाई जाती है। जयनगर से दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में तलाशी के दौरान पुलिस ने मधुबनी रेलवे स्टेशन पर 18 बोतल नेपाली शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में हंगामा। बेवड़े ने नशे में रजिस्ट्रार को धमकाया। बिहार का कोई कोना ऐसा नहीं जहां शराबबंदी ठीक से लागू हुई हो। मुजफ्फरपुर में तो शराब के नशे में एक बेवड़े ने रजिस्ट्रार ऑफिस में घुसकर रजिस्ट्रार से ही बदतमीजी शुरू कर दी। शराब के नशे में इस शख्स ने डीएम साहब को भी खड़का दिया। डीएम के निर्देश पर पुलिस ने बेवड़े को गिरफ्तार कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार में अगर शराबबंदी है तो यहाँ शराब कैसे पहुंच रही है? क्राइम डेस्क, इंडिया 24/7। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कार का पीछा करने का मामला सामने आया है। कार का पीछा होने की शिकायत खुद स्मृति ईरानी ने चाणक्यपुरी थाने में जाकर की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आरोप है कि एयरपोर्ट से आवाज जाते वक्त उनकी कार का पीछा किया गया। यह मामला आज 5:30 का है। स्मृति ने खुद 100 नंबर पर कॉल की। हिरासत में लिए गए 4 लड़के DU के पढ़ने वाले हैं। सभी का मेडिकल कराया गया है और पूछताछ जारी है।